मैं आपके लिए क्या लाई हूँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे तो गर्मा गर्म नान कढ़ाई ही खानी है। अजी सुनते हो? तो मेरठ की मशहूर नान खटाई के बारे में आपने सुना होगा और आपने खाई भी होगी, लेकिन आज हम आपको उसकी स्वाद से लेके बनाने के तरीके से लेके और उन सभी शख्स से मिलाएंगे जो उसको बनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कारीगर हैं, ये जो हलवाई हैं, ये बिहार के नहीं हैं, और अभी हम मौजूद हैं बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में। प्रॉपर आप लोग कहाँ से हैं? बरेली से हैं सर। यूपी। नाम क्या हुआ आपका? पप्पू है सर। और आपका? अशोक कुमार। कितने लोग यहाँ पे हैं जो नान खटाई बनाते हैं? 10 लोग रहते हैं सर। और 10ों लोग यूपी से हैं? हाँ यूपी से हैं सर। बरेली। हम आपको अंदर लेके चलते हैं, उनकी लाइफस्टाइल दिखाते हैं और कुछ सवाल जवाब हम अंदर ही करते हैं। देख सकते हैं ठेले पे लकड़ियाँ रखी गई हैं, मशीन है, इसी में आग जलती है। यहाँ पड़ी है नान खटाई जो कि अभी तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं यही वो नान खटाई है जिसको मशीन में डाल के सेका जाता है और फिर ये शानदार लाजवाब बिस्किट बन के तैयार होता है जिसको नान खटाई कहते हैं। आप लोग यूपी से यहाँ आए हैं तो हाँ यूपी में भी तो ये कारोबार हो सकता था ना? होता है, लेकिन पसंद है अपना अपना पसंद है, जहाँ भी कर सकते। आपने बिहार को चुना? बिहार को। कितनी आमदनी हो जाती है एक दिन में? अरे 300-400 रुपए बचते हैं सर। एक दिन में कैसे इसको बनाते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कच्चा है, अब ये पका नहीं है। यहाँ दिखाइए कितना खूबसूरत ये दिख रहा है। इसको फिर मशीन में डाल के इसको पकाया जाएगा। इधर दिखाइए, मशीन में डाल के फिर इसको पकाया जाएगा। कितना समय लगता है इस कच्चे माल को तैयार करने में? कम से कम 3 घंटा लगते हैं। 3 घंटे। और उसके बाद फिर वो मशीन में डाल के और आप लोग इसको पकाते हैं। हाँ। किस चीज़ से ये बनाते हैं आप लोग? बेसन है और चीनी है और रिफाइंड है, दूध वगैरह सब कुछ लगता है इसमें। और कैसे किलो आप लोग बेचते हैं इसको? 300 रुपये केजी बिकता है। ये 300 रुपये केजी बिकता है। तो आप लोग यूपी से यहाँ आए हैं, गुजारा हो जाता है आप लोगों का? हो जाता है सर गुजारा, कमी नहीं अगर काम चल जाए तब। मैं आपके लिए क्या लाई हूँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे तो गर्मा गर्म नान कढ़ाई ही खानी है। अजी सुनते हो? तो ये ऑडियो जो सुन रहे हैं आप कि मुझे मेरठ की मशहूर नान खटाई खानी है, ये नान खटाई वाले हैं। नाम क्या है आपका? अमन। अमन, ये यूपी से है प्रॉपर? कहाँ पे यूपी में? कहाँ से? बरेली। दिन भर में कितनी बिक्री हो जाती है? 1200 से 1500। 1200 से 1500। जरा हमें बना के दिखाओ कि कैसे आप बनाते हो। एक कच्चा नान खटाई है, जरा इसको बना के दिखाओ कि कैसे क्या है। ऐसे बनता है, पहले इसको निकाल के उसमें रखेंगे। हाँ फिर ठीक है, फिर यहाँ पकाता है, इसमें डालते हैं। देखिए अभी इस ट्रे में डाल के, हाँ ठीक है, उसमें डाल के हमें दिखाइए। ये एक कच्ची नान खटाई है। कितने घंटे लगते हैं इसको पकते हुए? 5 मिनट। बस 5 मिनट? 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है? हाँ। अब इसको उस भट्टी में डाला जाएगा और बस 5 मिनट में वो बन के तैयार भी हो जाएगा। जरा एक बार वो गाना हमें सुना दो जो तुम वो मेरठ वाली म्यूजिक जो बजाते हो, ऑडियो जो सुनाते हो। अरे देखो बेटा, मैं आपके लिए क्या लाया। बरेली का बनता है। अच्छा, ये बरेली में ये सारे ऑडियो बनते हैं? बरेली के। हाँ। तो ये ऑडियो जो है, अजी सुनते हो? देखो आपका बेटा कह रहा है, ये बहुत फनी ऑडियो है और ये कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करता है। तो ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो ये काफी गर्म है। 5 से 10 मिनट पकाने के बाद ये ब्राउनिश हो जाता है। घर पे 2 घंटे की मशक्कत होती है, 2 घंटे की मेहनत के बाद कच्चा माल तैयार होता है और कच्चे माल को ठेले पे लेके ये आते हैं और फिर भट्टी में डाल के महज 5 मिनट में इसको बना के ये सर्व करते हैं। न्यूज़ 18 बेतिया के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट।